13 मई 2022 आईपीएल का मैच नंबर 61 पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर आमने सामने होंगी सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। दोनों ही टीम प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखने की जद्दोजहद में मैदान पर उतरेंगी। दोनों टीम्स का प्रदर्शन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हैदराबाद को अपने सभी मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी। वहीं कोलकाता को अपनी सभी मुकाबलों में जीत के साथ दूसरी टीम्स के ऊपर भी निर्भर रहना होगा। दोनों टीम्स के बीच ये इस सीजन का दूसरा मुकाबला होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में हैदराबाद ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। इस सीजन हैदराबाद ने अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को 5 में जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ कोलकाता ने 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम ने 5 में जीत हासिल की है। केकेआर 10 अंकों के साथ 7वें और हैदराबाद भी इतने ही अंकों के साथ 6ठे स्थान पर है। बात केकेआर की करें तो टीम लगभग बाहर होने की कगार पर है। टीम को सिर्फ 2 मुकाबले और खेलने हैं और दोनों मैच में जीत के बाद भी उनका प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल लग रहा है। लगातार बदलाव लाना टीम के लिए अच्छा कदम साबित नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी, जिससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ होगा। बल्लेबाजी की बात करें तो टीम पावर प्ले में रन बनाने को जूझती रही है। टीम ने ओपनिंग में कई खिलाड़ियों को मौका दिया है, लेकिन कोई भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। वेंकटेश अय्यर ने टीम में वापसी करने के बाद पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली। वहीं मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजों ने निराश ही किया है। आंद्रे रसल की तरफ से भी टीम को कंसिस्टेंट रन्स नहीं मिले हैं। गेंदबाजी की बात करें तो टिम साउदी ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। साउदी ने 7 मैच में 16.25 की औसत से 12 विकेट हासिल किए हैं। वहीं उमेश यादव के नाम 15 विकेट हैं। उमेश पिछला मुकाबला नहीं खेल पाए थे। पिछले मैच के उनके प्रदर्शन के बाद टीम को आगे आने वाले मुकाबलों में पैट कमिंस की कमी खलेगी। कमिंस चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। वहीं सुनील नरेन ने किफायती गेंदबाजी की है, लेकिन उनसे और विकेट निकालने की उम्मीद होगी। सनराइजर्स की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है, जबकि मिडिल ऑर्डर में राहुल त्रिपाठी, निकोलस पूरन और एडिन मार्करम भी रन्स बना रहे हैं। हालांकि कप्तान केन विलियमसन की फॉर्म टीम के लिए चिंता की बात है। विलियमसन के नाम इस सीजन महज 1 अर्धशतक है। टीम के गेंदबाजों ने पिछले 4 मुकाबलों में 190 से ज्यादा रन खर्च किए हैं। इसका बड़ा कारण टीम के स्पीडस्टर उमरान मलिक का खराब प्रदर्शन भी रहा है। अब बात करते हैं इस प्रीव्यू के अगले सेगमेंट की, जहां हम आपको सुनाते हैं एक किस्सा। 11 अप्रैल 2021 चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम पर सीजन का 3रा मुकाबला खेला जा रहा था। आमने सामने थी हैदराबाद और कोलकाता। मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कोलकाता को नितिश राणा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े। इसके बाद क्रीज पर आए राहुल त्रिपाठी ने राणा के साथ मिलकर 93 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी के बदौलत कोलकाता ने 6 विकेट खोकर 187 रन बनाए। नितिश राणा ने 56 गेंदों पर 80 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। जवाब में खेलने उतरी हैदराबाद की टीम 5 विकेट खोकर 177 रन ही बना पाई। टीम के लिए मनीष पांडे ने 61 और बेस्टो ने 55 रनों की पारी खेली। नितिश राणा का इस सीजन प्रदर्शन उतार चढ़ाव वाला रहा है। ऐसे में फैंस को उम्मीद होगी कि नितिश राणा कुछ ऐसी ही पारी खेलकर टीम को प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखेंगे। ये खबर आपके लिए लिखी है रवि ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पॉट्स।